हेलो एवरीवन दिस इज मेघा शर्मा वेलकम टू ओमेगा टेक कैट आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल नंबर सिक्स रिग्रेशन एंड इट्स टाइप्स आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें रिग्रेशन मशीन लर्निंग टेक्निक है जहां पे हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स फाइंड करते हैं इसका मेन पर्पस होता है आउटकम को प्रिडिक्ट करना रिग्रेशन सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम का एक टाइप है जहाँ पे हम कंटिन्यूस वैल्यूज को प्रिडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन इनपुट फीचर ये मेनली यूज होता है वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए और फोरकास्टिंग के लिए फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन में हम रिग्रेशन का यूज करते हैं तो रिग्रेशन जो है वो क्लासिफिकेशन की तरह ही होता है क्योंकि दोनों ही सुपरवाइज लर्निंग में आते हैं लेकिन जो मेन डिफरेंस है बिटवीन रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन वो ये है कि जो आउटपुट होता है रिग्रेशन मॉडल का वो कंटिन्यूस होता है जबकि क्लासिफिकेशन में डिस्क्रीट क्लास लेबल्स होते हैं तो ये मेन इनमें डिफरेंस होता है रिग्रेशन टू टाइप्स के होते हैं मीन्स बहुत सारे टाइप होते हैं लेकिन जो टू बेसिक टाइप हैं वो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन तो इस प्रैक्टिकल में हमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन दोनों ही परफॉर्म करने हैं मेन डिफरेंस ये होता है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में जो रिलेशनशिप होती है वो हम वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से देखते हैं जबकि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं इस प्रैक्टिकल में हम रेडीमेड डेटा सेट यूज कर रहे हैं कैलिफोर्निया हाउसिंग डेटा सेट तो सबसे पहले तो हम डेटा सेट को फेच कर लेते हैं और लोड कर लेते हैं हाउसिंग डेटा सेट नेक्स्ट स्टेप में हमें एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है जो डेटा सेट हमारे पास है उससे हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं और कॉलम नेम सेट कर लेते हैं यहाँ पे हम फीचर नेम के हिसाब से कॉलम नेम सेट कर रहे हैं तो जो हमारा डेटा फ्रेम है उसमें जो कॉलम नेम रहेंगे वो फीचर्स के अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे नेक्स्ट लाइन में हम इसे प्रिंट कर रहे हैं तो सिंपल हम यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे कि क्या क्या कॉलम्स इसमें हैं क्या क्या फीचर्स इसमें हैं नेक्स्ट लाइन में हम एक न्यू कॉलम ऐड कर रहे हैं प्राइस नेम से हम एक न्यू कॉलम ऐड कर रहे हैं और इसमें हम टारगेट वेरिएबल वैल्यू को अजाइन कर रहे हैं टारगेट वेरिएबल हम उस वेरिएबल को बोलते हैं जो हमें प्रिडिक्ट करना है टारगेट वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम एक्स डिफाइन कर रहे हैं एक्स जो है वो फीचर है और वाई जो है वो टारगेट वेरिएबल है तो एक्स जो हम फीचर बोल रहे हैं वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो क्योंकि हम यहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं तो x जो होगा वो एक ही फीचर आएगा यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल फीचर लेते हैं और जब हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन देखेंगे तो यहाँ पे हम मल्टीपल फीचर्स लेंगे तो इस प्रैक्टिकल में हम x जो है वो एवरेज रूम्स ले रहे हैं और y जो है वो प्राइस ले रहे हैं मीन्स एवरेज रूम के बेसिस पे हम प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो एक्स जो है वो हमारा फीचर है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं और इसके बेसिस पे हमें प्राइस को प्रिडिक्ट करना है तो प्राइस जो हुआ वो हमारा टारगेट वेरिएबल हुआ जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड है मीन्स एवरेज रूम पर प्राइस डिपेंड है तो एक्स में हमने ले लिया एवरेज रूम और वाई में हमने लिया है प्राइस तो इस तरीके से हम यहाँ पे फीचर और टारगेट वेरिएबल को सेट कर लेते हैं उसके बाद हमको स्प्लिट करना है क्योंकि जो हमारे पास डेटा है उसको हमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट्स में स्प्लिट करना है तो यहाँ पे हम 80% परसेंट ऑफ डेटा ट्रेनिंग सेट ले रहे हैं और 20% परसेंट ऑफ डेटा हम टेस्टिंग सेट ले रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हमें डेटा को स्प्लिट करना है ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में उसके बाद हम इनिशलाइज करते हैं मॉडल इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे हम सिंपल एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल ले रहे हैं मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन यहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं पैरामीटर्स को मॉडल को ट्रेन करते हैं एडजस्ट करने का मतलब ये है कि जो पैरामीटर्स हैं उनमें जो डिफरेंस है बिटवीन प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल टारगेट वैल्यू उनको मिनिमाइज करना तो यहाँ पे मॉडल डॉट फिट एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन हम लेते हैं तो स्टेप्स कुछ इस तरीके से हैं कि सबसे पहले हमने एक डेटा सेट फैच किया उसके बाद हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है उसके बाद हम x और y वैल्यू लेते हैं मीन्स हम यहाँ पे फीचर और टारगेट वेरिएबल बताते हैं कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके बाद हम अपने डेटा सेट को टेस्टिंग और ट्रेनिंग सेट में डिवाइड करते हैं स्प्लिट करते हैं उसके बाद हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल इनिशलाइज करते हैं और उसके बाद हम मॉडल को फिट करते हैं मतलब कि फिट मॉडल डॉट फिट इस फंक्शन का यूज करते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट करेंगे आर स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और इन सभी वैल्यूज को प्रिंट करेंगे ये सभी इवेल्युएशन मैट्रिक्स हैं जो कि हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल खत्म होता है इस तरीके से हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना सकते हैं लेकिन लीनियर रिग्रेशन मॉडल का जो मेन पर्पस होता है वो प्रिडिक्शन का होता है फोरकास्टिंग का होता है मीन्स इस प्रैक्टिकल में हम एवरेज नंबर ऑफ रूम्स के बेसिस पे प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो अगर हमारे पास कोई न्यू डेटा वैल्यू आती है मीन्स नंबर ऑफ रूम्स आते हैं तो हम उसके बेसिस पे प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसके लिए हमने एक न्यू वेरिएबल लिया न्यू हाउस अंडर स्कोर डेटा फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एवरेज रूम्स दे रहे हैं फाइव तो इस तरीके से हम न्यू हाउस का जो प्राइस है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं अब हम इसे पाइथन में इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो सबसे पहले जितनी भी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज हैं हम उनको इम्पोर्ट कर लेते हैं उसके बाद जो कोड हमने डिस्कस किया उसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं फाइल को सेव कर लेंगे और रन करेंगे तो सबसे पहले तो जो हमारा डेटा सेट है वो प्रिंट होगा उसके बाद मीन स्क्वायर एरर आर स्क्वायर इंटरसेप्ट एंड को अगर हमारे पास कोई न्यू वैल्यू आती है और उस न्यू वैल्यू के बेसिस पे हमें प्राइस प्रिडिक्ट करना हो तो हम कर सकते हैं क्योंकि मॉडल हमने बनाया है तो जो कोड हमने देखा था वो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और मॉडल हम बना चुके हैं इस मॉडल के बेसिस पे अब हम प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो रन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि प्रिडिक्टेड प्राइस फॉर द न्यू हाउस हमको मिल गया है

बेटर है उतना ही अच्छा है क्योंकि एमएससी वैल्यू जितनी कम होती है ये इंडिकेट करती है कि जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के क्लोजर है तो एमएससी की जो वैल्यू है वो मिनिमम होनी चाहिए नेक्स्ट हमने कैलकुलेट किया था आर स्क्वायर टेल्स हाउ वेल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्सप्लेन द वेरिबिलिटी ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इसकी जो रेंज होती है वो जीरो से वन होती है

उतना ही हमारे मॉडल की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर समझी जाएगी हालांकि ऐसा कोई आइडियल वैल्यू नहीं है कोई यूनिवर्सल आइडियल वैल्यू नहीं है क्योंकि ये डिपेंड करता है स्केल पे और जो हमारा डेटा है उसके नेचर पे ये डिपेंड करता है कि एम और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए लेकिन आइडियली केस में हम देखें तो एम की वैल्यू लोअर होनी चाहिए कम से कम होनी चाहिए और आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो नियरर टू वन होनी चाहिए रिप्रेजेंट्स द पॉइंट वे आर द रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस ऑन अ ग्राफ इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बेस वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल वैन ऑल प्रिडिक्टर्स आर जीरो मीन्स इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स टारगेट वेरिएबल वेन ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इक्वल टू जीरो नेक्स्ट है रिप्रेजेंट द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स इन अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल तो बेसिकली जो इवेल्युएशन है मॉडल के परफॉर्मेंस का वो बेस्ड होता है आर स्क्वायर और एम एस ई पर पार्ट है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन तो पूरा प्रैक्टिकल सेम रहेगा सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे एक्स में आएगा क्योंकि रिग्रेशन में जब हम सिंपल रिग्रेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने सिर्फ एक ही कॉलम लिया था एवरेज रूम का लेकिन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं तो यहाँ पे हम सभी कॉलम्स को कंसीडर कर रहे हैं एक्सेप्ट द प्राइस कॉलम तो प्राइस कॉलम को हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं और उसके अलावा जितने भी कॉलम्स हैं वो हम ले रहे हैं एक्स में वाई में हम प्राइस कॉलम को ले रहे हैं तो रहेगा जो हमने प्रीवियस प्रैक्टिकल में देखा था तो सेम कोड को हमने पाइथन में इंप्लीमेंट किया है सेव कर लेते हैं और रन करके देखेंगे तो इस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगा सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को कंपेयर करें तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन ज्यादा सिंपल है ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि यहाँ पे जब हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल तो सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होता है जबकि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं जनरली मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कैन प्रोवाइड अ बेटर फिट टू द डेटा तो जनरली मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीपल फैक्टर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं लेकिन प्रिडिक्ट करने के लिए वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए कई सारे फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं तो अगर हमें मल्टीपल फैक्टर्स को इन्वॉल्व करना है क्योंकि एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर सकता है तो अगर हमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व करना है तो हमें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का यूज करना पड़ेगा जिससे कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी तो हमें एडिशनल कंसीडरेशन भी देखना पड़ेगा For watching till here, I am immensely thankful to Nikhil Singh, Dinesh Chaudhary and Ashi Chohan for their invaluable assistance in the creation of this video.